फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में गाइस। आज मैं आपको बताऊंगी कि इनकमिंग और फ्लैश लाइट कैसे यूज़ करते हैं और इसे कैसे ऑन करते हैं। सो गाइस, मेरे पास है और वीवो का फ़ोन है। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कुछ देरी किए। और गाइस, तो सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। सो गाइस, सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करना है कुछ इस तरीके से, एंड तब आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे शॉर्टकट एसेसिबिलिटी, एंड इस पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे दिखता है फ्लैश नोटिफिकेशन, फ्लैश नोटिफिकेशन पे क्लिक करना। अगर इस तरीके से ऑफ है तो उसे ऑन कर लेना गाइस। इसे जब ऑन कर लेते हो तो गाइस, इसमें ये होता है कि अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो आपका फ्लैश लाइट ऑन होगा, और कॉल आने पर ही होगा वरना नहीं होगा। सो गाइस, एंड जब भी आप इसे ऑन करते हो तो आपका फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाता है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कोई कॉल आ रहा है और फ्लैश लाइट ऑन होगा। और ये तब होगा फ्लैश लाइट ऑन जब कॉल आएगा, वरना नहीं होगा। और गाइस, फ्लैश लाइट तभी ऑन होता है जब आपका, अगर आपका फ़ोन का स्क्रीन इस तरीके से ऑन है और इससे कोई कॉल आ जाता है तो फ्लैश लाइट ऑन नहीं होगा। सो गाइस, इसलिए क्योंकि आपका जो स्क्रीन है फ़ोन का, मतलब फ़ोन का स्क्रीन वो ऑन है। अगर इसे ऑफ़ कर लोगे कुछ इस तरीके से तो आपका जो है, और आप आपके पास कोई कॉल आता है तो आपका फ्लैश लाइट वो जल जाएगा। सो गाइस, और इसलिए इसमें ये सब होता है। सो गाइस, मतलब कि इसको टर्न ऑफ लाइट में ही आप यूज़ कर पाओगे। टर्न ऑन फ्लैश लाइट यानी कि टर्न ऑन में स्क्रीन जब ऑन रहेगा तो नहीं हो पाएगा यूज़। तो इस तरीके से आप इनकमिंग कॉल फ्लैश लाइट यूज़ कर सकते हो गाइस। और गाइस, ये बहुत अमेजिंग फीस है, मतलब अमेजिंग सेटिंग है। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, ये सेटिंग जरूर ट्राई करना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।